किसान गुरु मेरे नाल ने अगांवधू किसान महेंद्र सिंह रेडू जिहड़े कि 2000 दे लगभग पशुआं नाल डेयरी फार्म चला रहे ने ते इह नाल इहनां दे डॉक्टर साहब ने। महेंद्र सिंह जी कब से आपने ये डेयरी फार्म शुरू किया हुआ है? 2008 से किया है। 2008 तो किन्ने पशुओं तो तुसी शुरू किया सी? मैं सवाल पंजाबी च करांगा, तुसी जवाब जिवें मर्जी देवो जी। मैंने करीब करीब वहाँ गांव में जो है डेयरी बनाए रखी जी, उसमें 100 पशु बनते हैं जी, वहाँ से शुरू कराया था। ठीक है, 100 पशुओं से। ठीक है, तो फिर काफी पशु। डॉक्टर साहब आप इत्थे ड्यूटी दे रहे हो ना? हाँ जी, इत्थे ड्यूटी है। ठीक है, तो रोजाना इत्थे जिहड़े मज्जां दे दुध दी किन्नी पैदावार है, प्रोडक्शन किन्नी है? यहाँ पर रोज की डेली वेज की हर एक पशु की 15 की मैक्सिमम एवरेज है। 15 लीटर एवरेज है हर एक पशु का? हर एक पशु। ठीक, तो जी आप ये बताइए, जो जैसे इतना बड़ा जी आपने लेकर गए शुरू, आपने शुरू में जैसे बोला कि 100 पशु से शुरू किया, उस तो पहला तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 10-20 ਪਸ਼ੂ? ਹਾਂ ਬਸ 20-25 ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਲੱਕੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਬਣਾਈ ਜੀ ਡੇਅਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੰਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਦੇ जी जी। फिर भाई साहब बोले भाई प्लांट लगावांगे जी, मगावे है तो मुश्किल काम ही बेटी जो गवर्नमेंट के हुए। अच्छा, फिर वहाँ चलो लगाई। मैंने बोले उसमें हाँ, अच्छा कि मान लो सरकार है काम है जी। अच्छा डॉक्टर साहब केड़ी है जी? अच्छा, इसकी 2 साल उम्र है इसकी? ठीक है, बहुत खूबसूरत है। तो कितना दूध दे रही है? दूध जी 15 लीटर। अच्छा, इसका 15 लीटर दूध है, 2 साल उम्र है इसकी? ठीक है, तो इसका बच्चा है? ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਸਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਭ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? साइलेज ही मक्के से ही तैयार करते हैं। ज़्यादा मक्के? ज़्यादा सर मक्के से। अच्छा, अभी आगे के लिए सोचा कि गेहूं का भी तैयार करेंगे, गेहूं का, जौ का। जी, गेहूं और जौ का शुरू करोगे मिक्स का? उससे तो सचमुच ही फर्क पड़ेगा इस हेल्थ पर भी। और देखो, आगे पहले हमने यूज करके नहीं देखा। अच्छा, अब की बार यूज करके देखते हैं कितना आगे एवरेज में मिलती है, दूध में और प्रोडक्शन मिलती है कि नहीं मिले, ऐसे चेक करेंगे हम। वही बताया, हर एक चीज़ की पूरी रिसर्च करके देखते हैं जी, किस चीज़ में बढ़ता है, किस चीज़ में घटता है। तो एक गावां किन्नियां ने तुहाडे कोल इत्थे जिहड़े दूसरे उधर? उत्थे लगभग 800 के लगभग गां, उत्थे 800 है, मज्जां वी इत्थे 800-900 दे लगभग है। ते उत्थे जिहड़ी गावां ने उसनूं डॉक्टर दूसरा संभाल रहे हैं तुसीं? दूसरे जी। इत्थे तुहाडे कोल बंदे किन्ने रखे ने टोटल जिहड़े तुसीं? टोटल हम बंदे 35 बंदा जी इत्थे, कुल 35 बंदे ने। ठीक है, ते जिहड़ा इक मैनूं इदां दस्सो जिहड़े इहनां दा नहाउण वगैरह दा है, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਸੁਬਹ ਕਰਤੇ ਹਮ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਰਲੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਸੇ ਹੀ ਧਾਰ ਨਿਕਾਲਤੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਸੇ ਨਿਕਾਲਤੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਇਤਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੀ ਹੱਥ ਸੇ? ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਇਨੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ? मशीन लगवानी नहीं है, थन खराब हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, थन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मेट्राइटिस ज्यादा हुआ है। अच्छा, इसलिए नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसका इतना हिसाब नहीं, नहीं, मेट्राइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए हाथ से ही दूध निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक कंपनी की फोटो दे विच देखा सी, उत्ते मशीन नूं लाई हुई दिखाई सी, मैं इस नूं मैं तां पुछे। गाय में चल जाते जी, गाय में। अच्छा, क्योंकि के पहले पशु को पोसाना पड़ता है, उसके नहीं, बाद 35 आदमी फिर कितनी देर से तार के में निकाल दार? 3-3.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, एक आदमी कितनी पशुओं की धार कटदा? एक आदमी को लगभग 15-16 की धार निकालता है। अच्छा, अब लगभग ये सारी थोड़ी वो है, सुई हुई नहीं है जी। अच्छा, हाँ, लगभग इसमें तो लगभग 300 के आसपास दूध दे रही है। ठीक है, नहीं फिर भी एक बंदा रोजाना मतलब 10 दी कटदा तार? नहीं, 15 दी। 15 दी,
तो वो तो आप फिर आप तो बंदे जो काम करने वाले वो तो बहुत पावरफुल होंगे क्योंकि आसान नहीं है 150 लीटर दूध निकालना रोजाना 150-200 एक ड्रम आदत बन जाए है आदत बन जाए है तो बेशक आदत बन जाए लोहा बनना पड़ेगा उतना है तो बाकी अच्छा जो साइलेज है वो उसमें क्या ध्यान रखते हैं आप खास उसको बनाने में? खास उसको बनाने में जी एक तो बारिश वगैरह का ध्यान रखा जाता है जी, उसको हवा नहीं लगे जी, इसको लिए उसको तरपाल वगैरह से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने जिस इस चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं ना आपकी वीडियो आएगी इस दे ऊपर ही मशीन आएगी जो इसके पैकेट बना रही है और पंजाब दे विच हुण बन लगी बहुत सस्ती है वो पैकेट प्लास्टिक में इकट्ठा कर देती है तुरंत वहीं खेते में उसनु टोए में या गड्ढे में कहीं रखने की कुछ जरूरत नहीं एज इट इज ऐसे ही उठाया और यहाँ पर रख दिया और खोल दो उसको। आप उसके बारे में क्यों नहीं मतलब विचार किया जहाँ आपने लगवाना नहीं उसको जहाँ उसकी जरूरत नहीं वो ठीक नहीं है? हमने जी सेल्स पिछले साल हमारा खत्म हो गया था जी, हमने पंजाब से मंगा रहा हुआ जो आप बता रहे जी, हमने वो इतना अच्छा नहीं लगे वो अच्छा नहीं था अच्छा नहीं था क्योंकि उसको पकने से पहले काट के दबाया गया था इसलिए प्रॉब्लम आ रही उसमें दाना पूरा नहीं उसमें दाना नहीं पूरा था इसलिए हम बनाते हैं पूरा दाना पकले है जब। हाँ महेंद्र सिंह जी वो जो है ना उसकी क्वालिटी वाली इसका इसका मतलब ये है कि वो ठीक है पर वो जो जिसने बनाया उसनु उसदे विच कमी है कमी है तो उसके लिए कोई और किसान ये भी कर सकता है जहाँ से बनवाना है अपनी फसल जाकर देख सकता उसको रोक सकता है जब हम बोलेंगे तब तैयार करना है उस इसका मतलब मशीन वो ठीक है जो भी कोई कंपनी बनाए वो ठीक है वैसे जल्दी में वो बिना पकाया मतलब वो मतलब आपने तो तभी उसका प्रयोग किया जो नहीं मिला एमरजेंसी हो गया तो उसमें तो कोई गलती नहीं किसी की भी और ना बेचने वाले की है ठीक है ना जब आप होना इकट्ठा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं अगर किसी को बोल देते भाई इतना चाहिए है। तो वो बंदा जो काटना है थोड़ा डॉक्टर चला जाएगा खेत को देखने जैसे कि हम वहाँ से वो पैकिंग वाला नहीं आता तो हम वहाँ से पंजाब से ना जी फुल मका मंगवा लेते हैं इधर आयो जी फुल मका मंगवा के अपने यहाँ पर कटाई कर लेते हैं उसकी अच्छा कटाई करा के फिर अपने उसका साइलेज बनाते हैं ठीक है पूरा पंजाब से भी मक्का आता है जी यहां पे बरबर क्या होंगे उनको यहां हम गंडासन काटेंगे कटाई करके फिर उसका सेल फिर उसको बनाते ठीक है चलो कोई बात नहीं हम फिर देखो भी जो वहां पे बनाने वाले उन्होंने जल्दी बना दिया इसलिए पकड़ नहीं दिया उसके अंदर वैसे कोई कमी नहीं थी पशु खा रहे थे ठीक था कोई लेकिन वो पक नहीं रहा था भाई मतलब फिर तो सब ठीक है तकनीक भी सही है सब ठीक है वो तो कोई बात नहीं। और ये आपका पौंड बना रखा है भैंसों के लिए? हाँ, ना पैसा ये गंदा पानी अच्छा तो इस इनके लिए इनको नहाने दा कि मैं टूटी से जा इनको पाइप से अच्छा बंदी बना दो ठीक है तो एक तो आप तुहाड़े दिल च इस तरह नहीं होंगे कि छप्पड़ होना चाहिए इन्हें कोल क्योंकि उस दे विच पशु का दुध वध जाता है क्योंकि आराम करता है वो खुशी महसूस करता है ऐसा है इतने पशु हैं जी यू बना था तलाबी से काम के लिए जी एक दिन में इतना गोबर कर दिया इसमें पानी पीने लायक नहीं रहा। हाँ नहीं वो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए पौंड जो है ज्यादा छप्पड़ ज्यादा चाहिए देना ज्यादा एरिया जी तो तब उसमें मछली छोड़ देना क्या है ओ, ए, 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 भाई साहब जैसे हैं डॉक्टर संभाल लेंगे 50 और 100 आदमी को और रोजगार मिल जाएगा उसको चला देना भी चल भाई तू भी इधर चल पोल्ट्री है उधर मछली चलेगी है जी बात तो कुछ भी नहीं है तो हाँ जी ये बुल यहाँ पर बंद हुए हाँ जी बुल है किन्ने रखे हुए ने तुसी ये हमारे पास लगभग 8 पशु तो हाँ जी ठीक है सांड आठ है जी ठीक है और वो परली साइड में बच्चे है ना ठीक है चलो ते जिहड़े बच्चे ने अपने डॉक्टर साहब इन्हां नूं किन्ना तुसी जिहड़ा दुध दे ओ छड्डदे हो लगभग हम जी आधा लीटर लगभग हर बच्चे को ठीक है ते फिर बच्चे तुहाडे तों तुसी वेचदे भी हो भैंसां वेचदे भी हो जां नहीं वेचते नहीं हम तो अपनी ऐसी यहीं पर नस्ल तैयार करते हैं जी अच्छा हां ऐसे रिसर्च करके देखते हैं हाँ। कि ये इस बुल पे जो भैंस क्रॉस कराई उसका जो बच्चा आया जी आगे वो जब बड़ा होगा या जो कटड़ी है बड़ी होगी तो उसने कितना दूध दिया
अच्छा हाँ, पूरा डाटा रखते हैं। हाँ डाटा है हमारे पास जी। ठीक है तो हुण तक तुसी कोई नतीजे ते निकले हो? हाँ नतीजे निकले हैं। हम नतीजे जो हमारे जो हमारा बोल सचिन है जिसका नाम वहाँ 14 है जो वहाँ पे है उसकी जो बच्चे आए हैं जी वो लगभग फर्स्ट ब्याज की 15 से 16 लीटर के लगभग है सारी की सारी। ठीक है भैंसों के या भैंस के नहीं जो उसके बच्चे हैं। हाँ उसके बुल के बच्चे आए हैं। हाँ, जो आगे जो सुई है उसकी भैंसे या ब्याई है उसके है। जी ठीक है मतलब वो उसकी क्वालिटी अच्छी रही है। क्वालिटी है इसका मतलब अगले बच्चे भी अच्छे होंगे जिसका फैट एवरेज भी 2.8 के लगभग है जी 8.2 के। ठीक है उसका फैट 8.2 सीधा। ठीक है जे आप वेखिए जरा थोड़ी क्वालिटी है तो जो डेयरी फार्मर है जे को उस स्टेज पर चला जाता तो फिर कामयाब हो है ना। हाँ क्योंकि 10 लीटर तो घट दुध वाले का डंगर रखने का फायदा कोई नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि नुकसान बहुत होंगे। सीमन वगैरह हम खुद के भी अपने बुल हैं हाँ, उनके साथ भी वो कराते हैं क्रॉस कराते हैं और AI भी वगैरह AI भी करते हैं। ठीक है तो आप अच्छा केड़ा रहता है? अच्छा जी है R14 जो हमारा सचिन है जी, उसकी जी, वो सबसे अच्छा बुल है हमारा जी। तो जो जिहड़ा सीमन सरकार तो लिया जाता है हाँ जी उस दे विच वधिया क्वालिटी दे विच बढ़िया उसके विच 29 नंबर जी और 56 नंबर जी। हाँ ये बुल बहुत ही अच्छे हैं और एक 425 जो कि सरकार से भी हमने पशु वो सीमन खरीदे हैं और अपने पशुओं को लगाए जी। हाँ सभी ये होगी सीमन की गल। तो जेडे इन पशुओं की जी एवरेज उम्र है वो कितनी है? एवरेज उम्र लगभग सारे पशुओं की 5-6 वर्ष है। ठीक है 5-6 वर्ष एवरेज है। ये दूजा अच्छा दुध दे जेड़ा दुध इत्थे आ रहा ठीक है आ जा अच्छा ये हो गया तो दूसरा शेड इस दे भी जिहड़े बच्चे ने मतलब बाहरली साइड हाँ, पिछे साइड इधर दिखाओ माड़ा इन्होंने बच्चे तुसी तो अच्छा पिछली साइड पर बच्चे ये साफ सफाई ऐसे पानी अच्छा बच्चों को पानी पिलाया जा रहा बहुत अच्छा। ठीक है ते अच्छा चवाई करके दुध इतने इकट्ठा कर लेंगे हो? ठीक है ये किन्ने लीटर है तो ढाई ये जी 3-3.5 हज़ार लीटर। अच्छा 3500 लीटर 3500 ठीक है तो यानी दोनों टाइम में 3000 लीटर होता है। ठीक है अभी डॉक्टर साहब वो खोल दिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे ये बार पानी पी के आएंगे। ठीक है पानी अच्छा उस दे विचो पी के होंगे रोटी बना रखी है जी बार। अच्छा अच्छा हाँ जी डॉक्टर संदीप कुमार जी जिहड़ा एक दसो जिस तरह तुसी 2000 दे लगभग पशुओं नूं संभाल रहे हो ते गावां ने मज्जां ने विच जिहड़ा इहनां दा टीकाकरण जो बच्चा छोटा हुंदा निक्का तां उदों तुसी टीकियां दा की विधि है तुहाडे कोले किस हिसाब नाल तुसी उहदी सेहत नूं ध्यान रखदे हो? सेहत की उसका ध्यान रखने के लिए हम उसको पशु का दूध पिलाते हैं जी लगभग 1/2 लीटर दूध पिलाते हैं। बहुत अच्छा बात है जी। हाँ जी और उसके बाद जो टीका करने कोई दवा वगैरह उसको बच्चों को दवाई वगैरह तो हम जैसे कि पशु छोटे बच्चे को देख लेते हैं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है दस्त वगैरह नहीं है बुखार है तो जब दूध पीता है तो उसमें पता लग जाता है कि इस पशु छोटे बच्चे ने दूध नहीं पिया तो उसके बाद उसका टीकाकरण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे छोटे बच्चे हैं उनको उन्होंने लिए सब तो वैसे बेहतर दवाई केड़ी जी किसानों देनी चाहिए जिवें तुहाडे विचार ने होर किसान सुन रहे हैं तुहानू? सबसे पहले तो उनको एल्बोमार दवाई पिलानी चाहिए जी। अच्छा हर महीने एल्बोमार? हाँ जी ठीक है हर महीने हर महीने ये पेट के कीड़ों के लिए है 30 ml के लगभग आती है। ठीक है ठीक है इससे छोटे पशुओं में दस्त वगैरह या और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उससे जल्दी बच्चा ग्रोथ करता है। ठीक है
तो उस तो अलावा तो कोई खास ध्यान देने की लोड़ नहीं, उसके अलावा वही बुखार वगैरह का फिर की करते हो? बुखार वगैरह तो ऐसे ही देख लेते हैं जी। अच्छा, उसके लिए कोई दवाई देने की लोड़ नहीं दी? उसके बाद दे देते उसके बाद। आमतौर पर केड़ी है जो किसानों नु आमतौर पर नुकसान ना हो? ऑक्सी है जी। अच्छा, जो छोटे बच्चों के बुखार में और दस्त में दोनों में काम करती है, उसको 10-10 ml पिला दो। ठीक है, जिस भी पशु छोटे बच्चे को बुखार है या दस्त लग रहा है। ठीक है, तो जे पशु मान लो कई बार अफारा हो जाता है, अफारा हो जाता है, फिर उस दे लिए किसानों की ध्यान रखना चाहिए? के लिए किसानों को वैसे तो हम दवाई आती है एक टायरल के नाम से जी, हाँ जी, वो पिला देते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो बड़े पशु नु या बड़े पशु नु भी पिला सकते हैं, बड़े ने पिला सकते हैं, छोटे पशु की उसको पिलाने को 30 ml के लगभग पिलाते हैं बच्चे को, 30 ml और बड़े पशु में 100 ml से 200 ml तक पिला सकते हैं। कितनी बार दिन में? वो दिन में एक ही बार पिलाने से ठीक हो जाए। दोबारा नहीं देनी होती? नहीं, दोबारा नहीं देनी, मतलब एक बार एक डोज बस। हाँ, एक डोज से ही हो जाता। ठीक है, दोबारा वगैरह तो। ते जिस तरह ये तुम्हारे पशु ने पीछे ये हुण पानी वास्ते छड़े गए? हाँ जी, ये पानी वास्ते छड़े गए हैं जी। अच्छा, इन्हें वापस फिर कदों लेके जाओगे? वापस अब एक घंटे के अंदर इनको वापस लेके जाएंगे। अपने आप जाएंगे? हाँ जी। ठीक है, तो इस दे विच जिस तरह तुसी पट्ठियां वगैरह दा किया जिहड़ा जिवें साइलेज तुसी बना रहे हो, हाँ जी, साइलेज बनाते समय तुसी की ध्यान रखते हो? साइलेज बनाते समय जी, एक तो साइज में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम बहुत कम ही होना चाहिए जी। जी, हाँ जी। और एक जो साइलेज बनाते हैं उसके अंदर मका है वो पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। अच्छा, पूरा पक्का होना चाहिए? हाँ जी, पका होना चाहिए। जब सख्त हो जाता है? हाँ जी, सख्त हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, उस हिसाब ना? हाँ, उसके बाद फिर साइलेज बना सकते हैं जी। मतलब उसनों उस तो बाद दबा के कितना चाहिए रखना चाहिए? दबा के उसको लगभग 45 दिन के दबाना। उसनों जो साइलेज बना रहे ने किसान जां तुसी मान लो बना रहे हो, तो उस दे विच होर की अपन नूं तांतां दा चूरा जां की मिक्स करना चाहिए जां ऐसे कल्ला? हां, ऐसे अकेला छड़ देना चाहिए? अकेला जी, जदों मतलब आपां खुरली जे इत्थे लिया के पाउणा है, हां जी, उदों विच फीड को मिला सकदे ने? उस दे बाद फीड मिला सकदे ने। इत्थे तुसी किन्नी पर एक पशु नूं किन्नी फीड दे रहे हो? लगभग हम एक पशु का लगभग 8 kg का एवरेज फीड दे रहे हैं एक दिन में। हां जी, दो खुराक में 4-4 kg देते हो या तीन बार? नहीं, दो खुराक में जी, दो बार। हां जी। अच्छा, जब हुण तुसी जिवें इहनूं पट्ठे पा रहे हो, हां जी, साइलेज पा रहे हो, हां जी, ते इस सवेरे किन्ने बजे पाया गया? सवेरे हम जी 8 बजे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 35 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ 8 ਵਜੇ ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਚਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ? ਨਹੀਂ, ਹਮ ਸਵੇ 4 ਵਜੇ ਚਵਾਈ ਮੇ ਲੱਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਸ਼ੂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ, ਪੱਠੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਓਗੇ? अब तो शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे, हाँ जी। चुवाई पहला करोगे? हाँ, अब सुबह अब चुवाई में लग जाएंगे। कितने बजे? 4 बजे जी। ठीक है, यानी करेक्ट 12 घंटे बाद तुसी फिर दोबारा शुरू कर दो? दोबारा। तो पट्ठे भी 12 घंटे बाद ही पाओगे? हाँ, बीच नहीं पाओगे? हाँ जी, दो टाइम ही है। दो टाइम, ठीक है। अच्छा, एक पशु नु साइलेज कितना पा? साइलेज एक पशु नु लगभग 10-15 kg लग पा दे एक टाइम। हाँ, ठीक है, यानी 20-30 kg एक टाइम में खुराक? बहुत सोहनी खुराक है। ठीक है, सही है। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਾ ਨਸਲ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਮੂਰਾ ਨਸਲ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਗਿਰੀ ਕੇ ਹੈ। ਗਿਰੀ? ਹਾਂ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ? ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੂਰਾ? ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇ ਹੈ ਜੋ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਥੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ।